हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड एज वेल एज गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टाइम हो रहा है 10:30 एंड मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं उठ गया और ये भी उठ चुका है। मॉर्निंग बोला सबको, क्या हो गया? अभी आ जाएगा, व्लॉग डाल रहा हूँ अभी। तो ये मेरे व्लॉग का वेट कर रहा था, अभी डल जाएगा। तो अभी नानी को चाय के लिए बोला है, मतलब मम्मी को चाय के लिए बोला है, तो चाय आती है पहले, वो निपटाते हैं, चाय पी के फिर निकलते हैं। रेडी वेडी हो चुके हैं, चाय पानी भी हो चुका है, बस चाय पियो और कुछ नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ, मीटिंग भी अटेंड कर रहा था, वो भी जस्ट ख़त्म हुई, नहा भी लिया मैं टाइम पे, चाय भी मैंने पी ली। अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन, तो वहीं पे मिलेंगे, फिर वहाँ से जाना है कहीं, डेली जाना है मतलब मुझे मोगो मोगो के साथ। तो मोगो मोगो भी पहुँचने वाली है और मैं भी पहुँचता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। आप भी कहोगे यार हमेशा यही मेट्रो स्टेशन क्यों पहुँचता है भाई, मेरे घर से ये बढ़िया मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे ना भीड़ भड़ाका भी नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं, तो जल्दी मेट्रो भी मिल जाती है, सीट भी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि रिचार्ज करने के लिए भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, जो उसके बाद वाला उसमें बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए आई ऑलवेज ऑप्ट दिस ऑप्शन। यहाँ जाके मेरा इंस्टीट्यूट था जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। तो चलो अब पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो कितना खाली, कहा था ना मैंने आपको मेट्रो की भीड़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे दिन में आ जाओ, चाहे सुबह आ जाओ, चाहे रात में आ जाओ, चाहे दोपहर में आ जाओ। भैया इंडिया की पॉपुलेशन है ही ऐसी, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग। देखो यहाँ पे खड़ी है, जान मुझे खड़ी रहती है, ना लोग हैं ना बंदा, ना बंदे की जात है देखो, पर तब भी यहाँ पे ये लोग रोक के रखते हैं जान मुझे। हम जैसे बेचारे घर में मर जाते हैं अंदर मेट्रो में। अरे भैया चला दे, नहीं चला रहा, चला ही नहीं था। देखो कब देखो गेट बंद हो गया, बस एक यही रखी है ऑटोमेटिक सिस्टम, बस एक यही बढ़िया है। देखो चल पड़ी है भीड़ वाली ट्रेन, चल पड़ी भैया। इसमें तो भीड़ ऐसी होती है कि पूछो मत, अबे इतना लोग आता कहाँ से है, रोको पॉपुलेशन को। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी सोसाइटी में। एक्चुअली मैं गया था अनुराग से मिलने और मोगो मोगो भी आई थी। एक्चुअली अनुराग ने ये देना था भैया, इसको लाने में तो मेरी आफत निकल गई मेट्रो से, क्या बताऊँ मैं आपको। जो उस दिन देता तो सही रहता ना, कैब में आ रहा था मैं भी, मेरे को मेट्रो से आना पड़ा, उसके बाद रिक्शा से आना पड़ा, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। कोई नहीं, थैंक यू फॉर दिस अनु भाई, अनुराग नाम है उसका। तो बस ये लाने बड़ी दिक्कत हो गई, अब घर जाता हूँ। तो यार डब्बा लेकर तो मैं आ गया हूँ, बहुत ही बड़ा डब्बा है देखो, इतनी मुश्किल हुई थी मुझे लाने में मेट्रो में, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है यार मेट्रो में। वैसे इतनी भीड़ होती है और मेरी चाय आ चुकी है, जिसके अंदर मलाई भी आ चुकी है। अब अपनी चाय ख़त्म करता हूँ। और ये बेटा चिल्लू गेम खेल रहा है, व्लॉग देख रहा है, पता नहीं क्या करता रहता है, ऑलराउंडर है ये, मिक्सअप करता रहता है। चलो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस उस डब्बे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकली हैं, ये नमकीन बड़े को अच्छा लगता है, ये नमकीन मेरे को अच्छा लगता है, ये अपने काजू बादाम और बाकी आपको मिठाई दिख रही है, ये मम्मी और चीकू, ये देखो इसका तो मुँह ही खुले खुला रह गया, मज़ा आ गया। तो ये देखो कितना क्यूट है, कितना बढ़िया है भाई साहब, गजब भाई गजब, मज़ा आ गया अनु भाई। भाई मैंने ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जो लैपटॉप में भी लगा रहता है, आईपैड में भी लगा रहता है और अपने पापा के फ़ोन में भी लगा रहता है और एक्सबॉक्स में भी लगा रहता है। भैया आपको क्या क्या चाहिए थोड़ा बताओगे? कंप्यूटर पड़ा है मेरा बाहर, वो भी यूज़ कर लो। अच्छा वो चलता नहीं है, वरना ये वो भी यूज़ कर लेता। भैया क्या खेल रहे हो एक बार दिखाओ, कि ऑडियंस देखना चाहती है, एक बार आप दिखाओ जरा। ये फ्री फायर, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्री फायर देखो। बच्चों फ्री फायर मत खेला करो, ये बच्चा खेलता है। पबजी मत खेला करो। मैं पबजी नहीं खेलता भाई, बीजीएमआई नहीं खेलता मैं। अब पहले खेलते, खाना खा लिया तूने? अच्छा वो जो डब्बे में था वो क्या था, वो खा लिया तूने? कैसा था? बहुत टेस्टी लगा तुझे? ठीक है, मम्मी कहाँ है? ऑडियंस पूछ रही है, बहुत दिन से तेरी मम्मी नहीं आई व्लॉग में। नहीं नहीं दोनों को डांट पड़ेगी। अरे रहते मम्मी डांट देंगे हमें। इसके पापा आए हुए पर ये आज भी नहीं जाएगा, कह रहे मैं आज भी नहीं जाऊंगा, कह रहे मैं तो जाऊंगा वीकेंड पे, अब सीधा अब जाऊंगा मंडे से स्कूल। इसका बस चले ना स्कूल ना जाए, यही रह ले जिंदगी भर। चलिए तंबू लगा दूंगा, एक सुन घर से वो मंगवा ले कैंप टेंट, यहाँ पे लगा लेंगे कोने में, ठीक है? क्या कहता है? नहीं खाना पीना मेरा हो चुका है, जैसे मैंने वो दिखाया था, आज खाने में थे पनीर और रायता और परौंठी और ये
वो चलते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है। टाइम क्या हो रहा है? 12:13 हो रहे हैं। मम्मी भी आ चुकी हैं, अब हम सोएंगे नहीं थोड़ी देर। ये तो रात में चिप्स खाएगा। क्या हाल होते हैं? ये रात में चिप्स खाएगा, मैं रात में कुछ पीऊंगा। और आपसे अब हम सुबह मिलेंगे। तो इसे आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर अभी हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।